केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पेरिस ओलंपिक 2024 पर कहा कि मैं ओलंपिक के लिए गए भारतीय दल को शुभकामनाएं देता हूं, हमारी बहुत आशा और उम्मीदें हैं। देखिए अभी ओलंपिक्स होने जा रहे हैं, पहले तो मैं शुभकामना देता हूं इंडियन कंटिजेंट को, बहुत आशाएं उम्मीदें हैं और ये एक शुरुआत होगी। जिस तरह से आज एक उत्सुकता जागरूकता बनी है उत्तर प्रदेश में सभी खेलों के प्रति, और जब एक टूर्नामेंट होता है इस स्तर का, इस क्वालिटी का, और पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के सभी लोग श्रोता बन के उसको देखते हैं, नहारते हैं खिलाड़ियों को, उनको बढ़ावा मिलता है। पेरिस ओलंपिक 2024 पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कहा कि वहां भाग लेने गए सभी एथलीटों को मेरी शुभकामनाएं, निडर होकर खेलें। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा जितने भी हमारे वहां पे एथलीट खेलने गए हैं कि बहुत बहुत शुभकामनाएं, बस निडर होकर खेलिए और अपना खेल दिखाइए, बाकी जो मेडल हमारे हिस्से में लिखे होंगे वो जरूर मिलेंगे, और सिर्फ अपना बेस्ट दे के आइए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार बहुत सारे मेडल जो है वो भारत के लिए आएंगे। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में जल भराव की समस्या पर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि अगर आप इसे खराब नियोजन के संदर्भ में देखें तो कई जगहों पर वार्ड अधिकारी नहीं है। खराब नियोजन के हिसाब से अगर आप देखें तो कई जगह वार्ड ऑफिसर नहीं है, चुनाव नहीं हुए तो नगर सेवक नहीं है, और सबसे अहम बात यही है कि जो आप सत्ता में बैठ चुके हैं वो खुद की सत्ता के लिए बैठे हैं, जनता के काम नहीं कर रहे, इसलिए ये हालत है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार को बचाने का बजट है, सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार को बजट दिया गया है, जिन लोगों ने उन्हें पूरे सांसद चुनकर भेज दिए उन्हें कुछ नहीं मिला। सरकार को बचाने का बजट है, केवल आंध्र और बिहार को उन्होंने राज्यों को दिया है, जिन राज्यों ने उन्हें पूरी सांसद चुनके भेज दी वहाँ कुछ नहीं खर्च किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित एक प्रदर्शनी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कारगिल का युद्ध विशेष परिस्थिति का युद्ध था, पाकिस्तान ने चोरी चुपके आकर कारगिल पर डेरा जमाया। हम उन वीर जवानों के शौर्य को और उनके बलिदान को भी हम हमेशा याद करते हैं। कारगिल का युद्ध एक विशेष परिस्थिति का युद्ध था, पाकिस्तान ने कोई सीधे तरीके से अटैक नहीं किया था, पाकिस्तान चोरों की तरह चुपके चुपके आ करके उन्होंने कारगिल पर अड्डा जमाया था। हमारे उन शहीदों की बात कर रहे थे जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी शहादत दी, उनको जब हम याद करते हैं तो उसमें हमको विशेष बात इस बात को याद करने की है कि कारगिल विपरीत परिस्थिति में हमारे नौजवानों ने, हमारे फौज के जवानों ने लड़ाई लड़ी थी।